पशु हिंसा पाप है। पेड़ पौधे और पशु उनमें भी हमारी तरह ही आत्मा है, तो हम किसी पशु को मारते हैं यानी हम स्वयं को मार रहे हैं। उसको मारना मतलब अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना है। जब कभी भी बकरे को हलाल किया जाता है तब वो अपनी भाषा के अंदर मैं बोलता है, पर उसकी सुने कौन? मनुष्य होता है और बलवान होता है तो उसके सामने आ जाता है और वो मुकाबला करता है। तो अगर बलवान है तो मारने वाले को भी परास्त कर सकता है, लेकिन पशु बेचारा तो मूक प्राणी है और हम उसकी आवाज और भाषा भी नहीं जानते हैं क्योंकि हमको पशुओं की भाषा नहीं आती है। तो कहने का अर्थ ये है, चाहे आप पशु को मारो या खुद को मारो, एक ही बात है, आपने पशु को मारा है वही पशु। ये प्रकृति का नियम है कि आपने कॉज डाल दिया, वही अगले जन्म के अंदर इफेक्ट बन के प्रकृति निमित्त के रूप में आपके सामने खड़ा करेगी और वही आपकी हत्या करेगा, वही आपकी गोली मारेगा। वो आपका बेटा बन के आ सकता है, बाप बन के आ सकता है, परंतु जीव वही होगा जिस पशु को मारे, क्योंकि आत्मा सब में, आत्मा अजर होती है, अमर होती है। शरीर मरते हैं, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। तो वह आत्मा आकर के आपसे बदला लेगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, कॉज का इफेक्ट होता ही है। तो हमने पिछले जन्म में जो जो भाव कर्म डाले हैं वो द्रव्य कर्म बन करके और इफेक्ट के रूप में आते हैं। कॉज हमारे पूर्व के जन्म के भाव होते हैं, इसलिए पशुओं की हिंसा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पशु हिंसा पाप है।